गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास सेवेंथ में जो साइंस का नेक्स्ट पेज था उसको रीड करेंगे। इससे पहले का हम रीड कर चुके हैं, अब आगे का हम रीड करेंगे। और कोई भी स्टूडेंट अनावश्यक मैसेज मत भेजा करें। अगर आपका सिलेबस से या कोर्स से संबंधित है उसको ही ओनली भेजिए, कोई दूसरा मैटर इस पर भेजने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अमाउंट ऑफ हीट, जो हीट की अमाउंट है उसके बारे में देखेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड और लॉस्ट, जो अमाउंट ऑफ हीट है वो गेन्ड प्राप्त होती है और लॉस्ट होती है बाय एन ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट होता है डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, वो किस पर निर्भर करता है, जो निम्नलिखित फैक्टर दिए हुए हैं इन पर। नंबर फर्स्ट है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोर हीट, जो अधिक हीट है इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट, वह क्या रिक्वायर्ड करती है ऑब्जेक्ट में, ऑफ लार्जर मास, क्या होना चाहिए उसमें अधिक मास होना चाहिए, फॉर एनी राइज इन टेम्परेचर, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ सके। नंबर सेकेंड आता है चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या है, परिवर्तन होना ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोर हीट इज रिक्वायर्ड फॉर ए हायर राइज, मोर अधिक हीट के लिए क्या है सबसे पहले रिक्वायर किसकी होती है, हायर राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का तेजी से अधिक राइज होना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए गिविन मास, जो ऑब्जेक्ट हो उसमें क्या दिया हुआ हो, मास हो। नंबर थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो नेचर है जो प्रकृति है किसकी, मटेरियल की ऑब्जेक्ट में। डिफरेंट ऑब्जेक्ट रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो रिक्वायर करते हैं क्या, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो अलग प्रकार के, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, उनके लिए जो हीट का अमाउंट होता है वो अलग अलग होता है। इवन दो देयर मासिस आर द सेम, अगर दोनों मासिस कैसे होते हैं, सेम होते हैं, एंड दे आर हीटेड थ्रू द सेम राइज इन टेम्परेचर, तो उनका क्या है, हीट होंगे सेम राइज पर इन टेम्परेचर। अब आता है यूनिट ऑफ हीट, कैलोरीज इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट, जो हीट है, हीट का जो अमाउंट है उसको मापने की सबसे बेसिक इकाई क्या है, कैलोरीज। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, ये क्या है कि हीट का जो अमाउंट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर रेज होता है बढ़ता है, ऑफ वन ग्राम, एक ग्राम ऑफ वाटर बाई वन डिग्री सेल्सियस, एक ग्राम वाटर है का जो सेल्सियस में कितना होता है, एक डिग्री। ए बिगर यूनिट ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट इज किलो कैलोरी, ए बिगर यूनिट, एक बड़ी यूनिट होती है मेजरिंग नापने के लिए अमाउंट की ऑफ हीट इज किलो कैलोरी, एक किलो कैलोरीज बराबर इजुकल टू 1000 कैलोरीज होता है, एक किलो कैलोरीज इजुकल टू 1000 कैलोरीज। वन किलो कैलोरीज इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर, एक किलो कैलोरीज अमाउंट ऑफ हीट है वह रिक्वायर्ड करता है टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेज करने में, ऑफ वन किलोग्राम ऑफ वाटर, एक किलोग्राम वाटर बाई सेल्सियस, किस में, सेल्सियस में। द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड इज मेजर्ड इन किलो कैलोरी, जो एनर्जी है वो कंटेंट ऑफ फूड मेजर्ड इन किस में मापी जाती है, किलो कैलोरीज में। मॉडर्न एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज जूल, जो आजकल आधुनिक समय में और इंटरनेशनली रूप से स्वीकार की हुई स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, वो हीट एनर्जी की, वो है जूल में। एक कैलोरी बराबर 4.184 जूल होता है, अथवा एक कैलोरी जो है 4.184 जूल, एंड एक किलो कैलोरीज बराबर कितना होता है 4184 जूल।
अब हम आगे देखते हैं किसको, हीट कैपेसिटी। द हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो हीट कैपेसिटी है किसकी, सब्सटेंस की, इज द अमाउंट ऑफ हीट, जो हीट का अमाउंट है, नीडेड टू रेज इन टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। क्या जब अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, जब अमाउंट ऑफ हीट को जब हम रेज करते हैं किसको, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस, इट्स यूनिट आर कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस एंड जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। इफ़ वी सप्लाई, यदि हम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे 4.184 जूल ऑफ हीट 1 ग्राम ऑफ वाटर, किसमें, 1 ग्राम वाटर में, इट्स टेम्परेचर वुड राइज इन 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। What would be the rise in temperature if we supply same amount of heat to same amount of another substance? Let's see. अगर हम क्या करते हैं कि same amount जो heat है उसको another में भी same amount of substance में देते हैं temperature, तो क्या होता है, take 2 beaker, सबसे पहले हम 2 beaker लेंगे of equal size, किसके बराबर size के, suppose that 500 ml, कितने 500 ml, फिल वन विद 200 ग्राम ऑफ वाटर, उसमें हम क्या है 200 ग्राम वाटर डालेंगे, एंड अदर विद 200 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल एट रूम टेम्परेचर। एक में हमने 200 ग्राम वाटर लिया और अदर में क्या किया, 200 ग्राम जो वेजिटेबल ऑयल है जो रूम टेम्परेचर पर, उसको लिया। हीट बूथ द बेकर्स विद स्प्रिट लैम्प फॉर 5 मिनट्स, हम स्प्रिट लैम्प से क्या करते हैं 5 मिनट के लिए उसको हीट देते हैं। रिकॉर्ड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ ईच विद थर्मोमीटर, और हम थर्मोमीटर की मदद से इसका टेम्परेचर को मापते हैं। वी सी, हम देखते हैं दैट द टेम्परेचर ऑफ ऑयल इंक्रीज मोर, तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर है किसका, ऑयल का, वह अधिक है, बढ़ा हुआ है। इट मीन्स ऑयल रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ हीट, इससे ये पता चलता है कि जो ऑयल के लिए क्या होना चाहिए, कम अमाउंट होना चाहिए हीट का, एंड वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो वाटर है वह कितना होता है 1 डिग्री सेल्सियस। देयरफोर द हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल इज लेस दैट ऑफ वाटर, वाटर की अपेक्षा जो ऑयल की जो हीट कैपेसिटी है वो कम है। दस वी कंक्लूड, इसके बाद हम क्या कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, दैट सेम अमाउंट ऑफ हीट कैन नॉट रेज द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बाई सेम डिग्री। इसमें क्या गया, वी कंक्लूड, हमने ये निष्कर्ष निकाला, दैट सेम अमाउंट, जब सेम अमाउंट होगा किसका, हीट का, कैन नॉट राइज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है कि रेज नहीं करेगा, नहीं कर सकता, ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे बाई सेम डिग्री, जब हम उसको सेम डिग्री पे लाते, दस डिफरेंट बॉडीज हैव डिफरेंट हीट कैपेसिटी, जो डिफरेंट बॉडीज होती है वो डिफरेंट हीट कैपेसिटी रखती हैं। वाटर हैज़ द हाईएस्ट हीट कैपेसिटी, जो वाटर की जो कैपेसिटी है वो हाईएस्ट है, कंपेयर टू मोस्ट अदर सब्सटेंस, जो अन्य सब्सटेंस है उनकी अपेक्षा। द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स मास, जो हीट कैपेसिटी है सब्सटेंस की वो किस पर निर्भर करती है, मास पर। नेक्स्ट आता है 4.8 में फॉर्मूला ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट, तो क्यू बराबर एम मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई टी। क्यू क्या होता है, इसमें माना गया है अमाउंट ऑफ हीट, एम माना गया है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड एस माना गया है स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और टी माना गया है चेंज इन टेम्परेचर। ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, इसको आपको 2 से 3 बार ध्यान से सुनना और समझना है, और आप अपनी पेन पेंसिल को हमेशा पास रखा करें। इसी के साथ ही आज का, थैंक यू।